हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब मानसून. एंड लेट मी स्टार्ट क्लास 12, चैप्टर नंबर 8, मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स. सो हियर वी डिस्कस दैट हाउ एंड हाउ कैन वी नो द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. सो लेट फर्स्ट वी डिस्कस दैट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स. ओके, 1 ऑटोट्रॉप्स, अनदर हेटरोट्रॉप्स. इट इज वेरी सिंपल थिंग. इट मे बी ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, दे एवरी बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ. ओके, सो हेयर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी विल डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इन टू ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. इफ यू डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉप्स, सो ऑटोट्रॉप्स आर द ओन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स. इट मे बी कंटेन प्लांट, सम बैक्टीरिया. ओके, वॉट दे आर डूइंग, दे आर यूटिलाइजिंग द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर फूड. ओके, वेयर एज इफ यू डिस्कस अबाउट द अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉप. ओके, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर ए क्लोरोफिलस. ओके, ए क्लोरोफिलस एंड दीज एट दे डू नॉट हैविंग द क्लोरोफिल पिगमेंट, इट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द फूड. सो दीज स्पेशली कंटेन फंजाई, ह्यूमन बींग्स. ओके, एक्सेप्ट दैट सम अदर एनिमल्स आर ऑल्सो देयर. दे आर नॉट एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, सो दे आर डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स. They depend on autotrophs. Okay, directly or indirectly. Okay, so these are two modes of nutrition. On the basis of mode of nutrition, two types of organisms are there. Now, dependency. Dependency of plants on nutrients. It was first experimentally proved by D. Saussure in 1840. Okay, and later on it was explained by Bonstack. Okay, later on it was explained by Bonsack in 1860. Understand? So here we discuss that nutrients are essential, okay, for the plants, for the animals, for even the bacteria. And we divided the plants and animals on the basis of nutrition into two parts. Okay, and dependency of the plants on nutrients, it is given by the D. Saussure and Bonsack. Now we discuss about the different experiments to identify or to know the how plants are depend on the nutrition. So for that we discuss about the different method, and the first method is plant S method. Okay, plant S method. Okay students, so our chapter number 8 is going on mineral nutrients, and here we talking about the techniques of study of mineral nutrition of plants. So several studies or several experiments are given by the different scientists. Okay, so here we will discuss one by one, and the first one is analysis of plant S method. What is the plant S method? So here is a method which determined, which explained that how much nutrition, it means carbon, nitrogen, oxygen as well as other nutrition,
how much they are required by the plants. Okay, what is their amount present in the plants? So this is the method, plant test method. What can we do in plant test method? So here in a flow chart, let me discuss what happened. In starting, we have taken the fresh plants. It means हम कोई भी plants ले सकते हैं, fresh plants हैं जो green हैं, moisture containing है उनमें. So first we are putting those plants into the oven, okay? At 70 to 80 degrees Celsius for 1 to 2 days, okay? इसको हम 1 से 2 दिन तक oven में रखेंगे. कितने टेम्परेचर पे? 70 to 80 degrees Celsius पे. अब इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही हम ओवन में रखेंगे तो जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा. इज दैट क्लियर? वाटर क्या होगा, उससे इवेपोरेट होगा. जब वाटर इवेपोरेट होगा तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ड्राइड हो जाएगा उसका सैंपल. ओके, सो सेम थिंग हमने यहाँ मेंशन किया है कि जैसे ही हमने इसको ओवन में रखा 70 to 80 degrees Celsius पे 1 से 2 दिन तक, तो क्या हुआ, जो पूरा सैंपल था वो ड्राई हो गया. ओके, अब हमने ड्राई सैंपल को टेकन आउट किया है. अब इस ड्राई सैंपल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो इट कंटेन्स सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड्स. ओके, आफ्टर दैट लिग्निन, अनदर प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स. ओके, सो दीज ऑल आर द कंटेंट ऑफ द ड्राई सैंपल और ड्राइड वेट ऑफ द प्लांट. वी हैव टू बी वेइंग इट, इसको हम वेट आउट करेंगे. ओके, ड्राइड सैंपल का जो भी वेट है वो हम वेट करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर पुटिंग इट इनटू द फर्नेस अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस. ओके, यानी अब हमें इसको क्या करना है, हम इसको बर्न करेंगे. इसको ड्राइड वेट को या जो भी ड्राई सैंपल हमारे पास है उसको हम फर्नेस में बर्न करेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस पे. अब होगा क्या, इसमें जो भी गैसेस हैं, ओके, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, O2 है, दैट हैव टू बी रिलीज्ड आउट. ओके, वो क्या होंगी, बाहर रिलीज होंगी, बिकॉज हम बर्न कर रहे हैं तो गैसेस फॉर्म में जो भी न्यूट्रिशन है इसके अंदर वो रिलीज होंगे. और एट लास्ट हमारे पास जो वेट बचेगा दैट इज नोन एज प्लांट एस. इज दैट क्लियर? प्लांट एस को हम वेइंग करेंगे. ओके, इसको हम वेट आउट करेंगे और उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स. क्लियर है? तो ये हमारा था एनालिसिस ऑफ प्लांट एस. ओके बेटा, सो हैव व्हाट हैपेंड, द गैसेस आर रिलीज्ड आउट. ओके, एस CO2 NH3O2 एंड द लेफ्ट ओवर पोर्शन इज नोन एज प्लांट एस. ओके, दिस प्लांट एस कैन बी वेट, इसको हम वेइंग करेंगे, वेट आउट करेंगे. एंड हियर वी कैन डिटरमाइन that how much amount of a particular nutrient present in the plant. Okay, how much amount, understand? यानी इस method से हमें ये पता लगेगा कि किसी भी particular nutrition का, चाहे वो carbon है, hydrogen है, oxygen है, या फिर कोई और nutrients, जो भी major और micro nutrients हम आगे study करेंगे, उनका कितना amount इसमें present है. So this method is known as plant S analysis method or plant S method. Is that clear?